वेलकम टू पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। आज हम क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें जो कलेक्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कलेक्शन सेट की फॉर्मेशन करेगा और क्यों, जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। यानी कि मंथ, वो सभी मंथ जिनका नाम जे लेटर से स्टार्ट होता है। हमारे पास मंथ्स ऑफ ईयर हैं कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे पास 12 मंथ्स हैं। अब इन मंथ में से किनका नाम जे लेटर से स्टार्ट होता है, हमें वो चूज करने हैं। यानी कि जनवरी हमारे कलेक्शन का पार्ट बनेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनमें से किसी का नाम जे लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ये हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा। जून हमारे कलेक्शन का पार्ट होगा, जुलाई भी हमारे कलेक्शन का पार्ट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं होंगे। क्यों? इनका नाम जे लेटर से स्टार्ट नहीं होता। तो हमारे कलेक्शन में अगर कलेक्शन का नाम ए रख दिया जाए, कौन कौन एंटर करेगा? जनवरी बिल्कुल होगी, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून होगी, जुलाई होगी और इसके बाद का भी कोई मंथ नेम हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो टोटल 3 मंथ्स का हमें कलेक्शन मिला, कौन कौन से? जनवरी, जून और जुलाई। आप अगर किसी से भी ये क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेगा, कोई भी डाउटफुल या फिर डिबेटेबल सिचुएशन यहाँ अराइज नहीं होगी। तो हमारा ये कलेक्शन कैसा, ये एक कलेक्शन है और वो भी कैसा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और हमें पता है कोई भी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होगा वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? सेट की, क्योंकि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक वो कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड होता है। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल आ चुका है जिसमें हमारे पास डाउटफुल सिचुएशन अराइज होती है या फिर डिबेटेबल सिचुएशन अराइज होती है। अगर आप बात करें अलग अलग पर्सन की तो उनका ओपिनियन इस क्वेश्चन के बारे में डिफरेंट होगा। कैसे? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे लिए कुछ राइटर्स होंगे जो मुझे टैलेंटेड लगते होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप किसी अदर पर्सन से जाके पूछेंगे तो उसके लिए टैलेंटेड पर्सन्स अलग होंगे। किसी को नॉवल राइटर ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, किसी को कॉमिक राइटर ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, तो किसी को प्ले राइटर अच्छे लग सकते हैं। तो हर एक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक अलग कलेक्शन मिलेगा, तो ये किसी एक यूनिक कलेक्शन को शो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमारा कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। कलेक्शन तो है लेकिन क्या नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये किसकी फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा, ये सेट की फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला पार्ट है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर डिबेट पॉसिबल है। एक पर्सन के लिए विराट कोहली ज़्यादा अच्छा हो सकता है, दूसरा स्टीव स्मिथ को अच्छा मान सकता है, तीसरा गेल के लिए वोटिंग कर सकता है। तो हर एक के लिए जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम होगी वो डिफरेंट हो सकती है। हमें कोई यूनिक आंसर नहीं मिला, हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे डिफरेंट पर्सन से। तो ये कलेक्शन जो होगा वो हमारा क्या नहीं होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये किसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा? सेट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, और वो भी कौन से? योर क्लास। स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठे स्टूडेंट की बात अगर हम करें तो उसके लिए ये कलेक्शन कैसा होगा? यूनिक होगा। उसकी क्लास में पर्टिकुलर मान लीजिए 35, 40, कितने भी बॉयज हो सकते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 35 बॉयज हैं, तो उन सभी 35 बॉयज का नेम, डेटा कंप्लीटली उस स्कूल के रजिस्टर में मेंशन होगा और वो यूनिक होगा उस पर्सन के लिए। तो इस अगर यहाँ पे राम
हमारी स्क्रीन की दूसरी तरफ है। तो राम की क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉयज हैं, और वो 35 बिल्कुल डेफिनेट हैं। दिस राम, श्याम, मोहन, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर डेटा है और वो यूनिकली आपको डिफाइंड है कि ये पर्सन आपकी क्लास में हैं। तो हमारा ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा, ये कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। और कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा वो हमारी किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक सेट की फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज अ सेट। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें किसका कलेक्शन चाहिए, नेचुरल नंबर्स का। दो कंडीशन है हमारे पास, फर्स्टली कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें कि वो लेस देन क्या भी होना चाहिए, 100 भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल हमारे नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, और ये इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, वो लेस देन 100 भी होना चाहिए। तो हमारे पास ये काउंटिंग, जब तक हम 98, 99 तक पहुंचेंगे हमारी काउंटिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। जैसे 100 पर पहुंचेंगे हमें जो सेकंड कंडीशन है वो गलत नजर आएगी, क्योंकि 100 हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं बन सकता। तो 100 हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं है। कहां तक हमारी काउंटिंग हमारे कलेक्शन का पार्ट बनेगी, 1 to 99। तो हमारे पास टोटल कितने 99 मेंबर्स आ चुके हैं इस कलेक्शन के अंदर। और क्या हर पर्सन के लिए इनकी ये डिफरेंट होंगे, बिल्कुल नहीं। हर पर्सन जो कि नेचुरल नंबर्स के बारे में जानता है वो बताएगा कि 1 से 99 तक की काउंटिंग ही हमारे इस कलेक्शन का पार्ट होगी, और हमें एक यूनिक आंसर इस स्टेटमेंट के लिए मिलता है। तो ये हमारा कलेक्शन कैसा हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई भी डिबेट की या फिर डाउटफुल सिचुएशन अराइज नहीं हुई। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा वही किसकी फॉर्मेशन करता है, एक सेट की फॉर्मेशन करता है। तो हमारे फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो भी क्या हो गया है, हमारा एक सेट हो गया है। अब हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हमारे पास कलेक्शन है किसका, नॉवल्स का। कौन से नॉवल्स, जो लिखे गए हैं किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद हमारे एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कफन हो गया, निर्मला है हमारे पास, बड़े घर की बेटी है, ऐसे बहुत सारे रचनाएं हैं। बड़े घर की बेटी, ईदगाह, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई हैं। लेकिन यहाँ पे देखने की बात क्या है, क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। हमारे पास ये कलेक्शन तो है, और क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स की ही बात की गई है, तो इसमें किसी और पर्सन के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और किसी नॉवेल को स्किप भी नहीं किया जाएगा। तो ये जो कलेक्शन आएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का, ये हमारा क्या होगा, यूनिकली डिफाइंड होगा। इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं हो सकती। आप चेक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नॉवेल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो यहाँ से हमें एक यूनिक आंसर मिलता है। यूनिक आंसर मिले तो ये कलेक्शन कैसा हो गया, हमारे पास ये कलेक्शन हो गया वेल डिफाइंड। और अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक सेट की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा ये फर्स्ट का सिक्स पार्ट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का जो कलेक्शन था वो भी क्या फॉर्म करेगा, एक सेट की फॉर्मेशन करेगा। हम फर्स्ट के सेवंथ पार्ट पे मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट का सेवंथ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन है और वो भी किसका, ऑल इवन इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स हमारे पास कौन होते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन आए थे, नेचुरल्स आए थे जिसमें हमारे पास काउंटिंग थी जो 1 से स्टार्ट होती थी और कंटिन्यूअसली चलती चली जाती थी। अगर उसमें हमने 0 को इंक्लूड किया था तो हमारे पास होल नंबर आ गए थे, और उसमें भी नेगेटिव्स को इंक्लूड कर देते थे तो हमारे पास कौन आ जाता था, इंटीजर्स आ जाते थे। तो हमारे पास इंटीजर्स एक इनफाइनाइट नंबर्स का कलेक्शन है। अब इंटीजर्स इनफाइनाइट नंबर्स का तो कलेक्शन है, लेकिन ये नंबर्स अपने आप में क्या है, यूनिकली डिफाइंड है कि कौन कौन से नंबर इंटीजर्स में आएंगे
ये आपको पता है, या आपको कोई नंबर दिया जाए तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि वो इंटीजर है या नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल्स जीरो और नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल यही इंटीजर का पार्ट है, इनके अलावा कोई भी इंटीजर का पार्ट नहीं होगा। तो आपका जो कलेक्शन है वो कैसा है, यहाँ पे वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट की फॉर्मेशन करता है। अब लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है, इवन इंटीजर्स की बात की गई है। तो हमें इस कलेक्शन में से कौन कलेक्ट करना है, सभी के सभी इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, जो कि कंप्लीटली डिवाइड होंगे टू से, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय टू। अब इनमें से कौन कंप्लीटली टू से डिवाइड होते हैं, हम एक बार डिसाइड करते हैं। जीरो से मूव करना शुरू करते हैं, जीरो हमारी टू से कंप्लीटली डिवाइड होती है, वन टू से डिवाइड नहीं होगा, और हमें पता भी है वन एक ओड नंबर है, टू भी टू से डिवाइड होता है, थ्री नहीं होगा, लेकिन फोर टू से डिवाइड होता है, इसी तरह से सिक्स एट अप टू सो ऑन, ये सभी के सभी, यानी कि टू एन के मल्टीपल्स जहाँ पे एन नेचुरल नंबर है, किससे डिवाइड होते हैं, टू से डिवाइड होते हैं, एन पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। अब देखिए जीरो से अगर बैकवर्ड हम मूव करते हैं तो माइनस वन टू से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन माइनस टू, माइनस थ्री नहीं होगा, लेकिन माइनस फोर टू से डिवाइड होगा, माइनस सिक्स टू से डिवाइड होगा, एंड अप टू सो ऑन। रिवर्स में भी हम इनफाइनाइट स्टेप्स तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे टू एन टाइप के ही नंबर हैं, यहाँ पे टू एन में एन नेचुरल नंबर था, यहाँ पे टू एन में एन नेगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर है। तो टू एन सभी के सभी टू एन टाइप के नंबर, जहाँ पे एन हमारा एक्चुअल में क्या हो गया है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो एन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोज का ही कलेक्शन तो हमारा क्या था, इंटीजर था। तो हर टू एन टाइप का नंबर जहाँ पे एन जो है एक इंटीजर है, हमारे सेट का क्या हो जाएगा, पार्ट। तो एक्स इज इक्वल टू, ये कलेक्शन किस कौन से फॉर्म का होगा, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन, वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर्स। जहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर से आएगी। अगर आप जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगी, वन पुट किया टू आ गई, वन थ्री टू पुट किया फोर आ गई, थ्री पुट किया सिक्स आ गई। अगर नेगेटिव्स में पुट करोगे तो माइनस वन पुट किया तो माइनस टू, माइनस टू पुट किया तो माइनस फोर, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। तो हमारा ये कलेक्शन क्या है, एक यूनिकली डिफाइंड कलेक्शन है। यूनिकली डिफाइंड कलेक्शन है तो कैसा भी कलेक्शन हो गया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक सेट की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा फर्स्ट का जो सेवंथ पार्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, वो भी क्या होगा, एक सेट की फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का एट्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर की बात की गई है, हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस चैप्टर यानी कि हमारी यहाँ पे चैप्टर नंबर वन की बात हो रही है। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर को हम इंक्लूड करेंगे हमारे कलेक्शन में, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में जैसे 1.1 एक्सरसाइज है, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, सिक्स है। 1.2 में सिक्स क्वेश्चंस है, 1.3 में नाइन क्वेश्चन है, 1.4 में 12 क्वेश्चन है, 1.5 में 7 क्वेश्चन है, और 1.6 में 16 क्वेश्चन है। टोटल अगर हम बात करें तो 56 क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। इनके कुछ पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब में एक देखने वाली बात क्या है, ये सभी क्वेश्चन अपने की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आप फर्स्ट पार्ट पे ही जाके रुकेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के एट्थ पार्ट की बात करें तो आप इसी क्वेश्चन पे आके रुकेंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिकली डिफाइंड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो यूनिकली डिफाइंड है। तो एक यूनिक आंसर की तरफ इंडिकेट कर रही है हमारी स्टेटमेंट। तो ये कलेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। और अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ये किसकी फॉर्मेशन भी करेगा, एक सेट की फॉर्मेशन भी करेगा। तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर भी एक सेट की फॉर्मेशन करेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अगेन एक डिबेटेबल सिचुएशन है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। हम किसी भी एनिमल को डेंजरस कब मानेंगे, और पर्टिकुलर पर्सन से अगर हम पूछते हैं तो उसके लिए कोई मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अलग हो सकते हैं, अगर हम दूसरे पर्सन से पूछें तो उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अलग हो सकते हैं। तो किसी को किसी से डर लगता है, एक इंसान कॉकरोच से डरता है तो दूसरा नहीं डरेगा।
जरूरी नहीं है हर पर्सन एक ही टाइप के एनिमल्स से ही डरे। तो यहाँ पे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की बात की गई है। कोई डॉग पालता है लेकिन किसी के लिए डॉग डेंजरस है, वही सिचुएशन यहाँ पे अराइज होती है। एक डिबेटेबल डाउटफुल सिचुएशन यहाँ है, हमें यूनिक आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हर पर्सन का ओपिनियन कैसा होगा, अलग होगा, तो हमारा कलेक्शन कैसा नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये किसकी फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा, ये सेट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड एक सेट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड रैंकिंग की बात की जाए या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के एक ही पर्सन के ओपिनियन की बात की जाए तो वो एक यूनिक आंसर मिलेगा हमें और वो एक सेट की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन जब आप जर्नल ओपिनियन की बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर जाएगा और हमें क्या एक यूनिक आंसर नहीं मिल पाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारा जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और सेट की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। आई होप You liked the video. If yes, please like the video, share it and subscribe our channel. Thank you.